हाय एवरीवन बेटा, मैं ना आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम के अंदर लगभग 2-4 घंटे हैं आपके पास में, 2-4 घंटे हैं तैयार करने के लिए। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसको एक बार लास्ट टाइम पर ज़रूर देख लीजिएगा। आप कह सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेरे बच्चा, जनवरी 2021 का AS 26 और AS 22 कर लेना, जुलाई 2021 का AS 18 और AS 4 कर लेना, दिसंबर 2021 का AS 9, AS 26 और AS 14 कर लेना, मई 2022 का AS 20 और AS 7, मई 2019 का AS 7, AS 18 और AS 19। ये सारे AS लिखवा रहा हूँ। AS का एक क्वेश्चन आपको गो थ्रू करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो आप 20 मिनट के आसपास, 20 मिनट से आधे घंटे के आसपास आप AS के क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिएगा। मई 19 के बाद, हाँ बस इतने इतने क्वेश्चन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब जो चैप्टर्स के ऊपर आते हैं, तो चैप्टर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे बच्चे अमालगमेशन की। अमालगमेशन में आप 2 क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, एक मई 2022 का क्वेश्चन देख लेना और एक दिसंबर 2021 का क्वेश्चन देख लेना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंसोलिडेशन में मई 2022 देख लेना और दिसंबर 2021 देख लेना। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, आपको बस गो थ्रू करने हैं, तैयारी आपकी हो गई है। इसके बाद में मेरे बेटा, डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो डिसोल्यूशन का मई 2022 देख लेना, उसके बाद जनवरी 2021 देख लेना। 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर मैं बात करता हूँ लिक्विडेशन की। मेरे बच्चे, लिक्विडेशन में जनवरी 2021 का क्वेश्चन देख लो, जनवरी 21 के बाद में नवंबर 2022 का सवाल देख लो और दिसंबर 2021 का सवाल देख लो। लिक्विडेशन के 3 सवाल ये देख लेना, ठीक है। आपको बस गो थ्रू करने हैं, 2 से 3 घंटे में आराम से गो थ्रू करोगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। उसके बाद आती है बैंकिंग। बैंकिंग का मेरे बच्चों, एक मई 2022 का सवाल देख लेना और एक जनवरी 2021 का सवाल देख लेना, दो। और एक आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी में एक जनवरी 21 देख लेना और जनवरी 21 ही देखना है बस, और एक जुलाई 21। 2 क्वेश्चन और एंड में इसॉप, जुलाई 21 और एक क्वेश्चन केवल बायबैक। बायबैक के अंदर दिसंबर 21 का सवाल देख लेना, एक सवाल। तो
12 क्वेश्चन ये थे एएस के, ये मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में हो जाएंगे, और उसके बाद 2, 2 4, 2 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 क्वेश्चन ये भी आपके मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाने चाहिए। तो 2.5 घंटे का आपका काम है, बस गो थ्रू करने हैं, सॉल्व मत करना आप, बस एक बार देख लेना इनको, ठीक है। ये आपके 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर 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 देखिएगा, ठीक है। आपने सब कुछ करा है, अपने पर भरोसा रख के करिएगा, और एग्ज़ाम के शुरू के 15 मिनट बहुत ध्यान से, अपने एग्ज़ाम के आने वाले 3 घंटे ध्यान रखिएगा, ठीक। बाय बाय, टाटा।